नमस्कार, न्यूज क्लिक में आपका स्वागत। मैं निखिल वागले, मैं आज बोलने जा रहा हूँ नरेंद्र मोदी सरकार के गैर लोकतांत्रिक तरीके पर। आप जानते होंगे डॉक्टर आनंद तेलतुंबड़े एक मशहूर विचारक है और गौतम नवलखा एक मानवाधिकार कार्यकर्ता। इन दोनों को कल 14 अप्रैल को गिरफ्तार किया जा रहा है। इन दोनों कार्यकर्ताओं को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो मुंबई में सरेंडर करें। इनके ऊपर एल्गार परिषद केस में कुछ आरोप है और इनके ऊपर भी यूएपीए लगाया जाएगा। आपको याद होगा मैंने न्यूज क्लिक के लिए बहुत सारे वीडियोस किए हैं इस केस पर, एल्गार परिषद केस पर, और मैंने आपको बताया है ये किस तरह से फैब्रिकेटेड केस है। पहले ही 2 साल से इस केस में यूएपीए के अंदर सुधा भारद्वाज, सुधीर ढवले और अन्य जो 6 कार्यकर्ता है जेल में है। 2 साल में इस केस की बहुत ज्यादा सुनवाई भी नहीं हुई है और इनको बेल भी रिजेक्ट किया गया है। ये केस सुप्रीम कोर्ट तक गया था। जब इनको अरेस्ट किया गया तब डॉक्टर आनंद तेलतुंबड़े और गौतम नवलखा को अरेस्ट नहीं किया गया, उनको कोर्ट ने कंसेशन दिए। ये लोग हाईकोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन आज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जब अर्जी की तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप पुलिस के सामने सरेंडर हो जाइए। मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला बिल्कुल ही गलत है। मैं मानता हूं कि हमें न्यायपालिका के प्रति आदर दिखाना चाहिए, लेकिन कैसे आदर दिखाए, क्योंकि इस तरह के गलत फैसले अगर न्यायपालिका करेगी तो आदर दिखाना बिल्कुल संभव नहीं है। मैं नाराज हूं सुप्रीम कोर्ट के प्रति। सुप्रीम कोर्ट का कर्तव्य है कि इस देश में जो लोकतंत्र है उसकी रक्षा करे, इस देश के संविधान की रक्षा करे और इस देश में जो कानून का राज चलता है उसको और सशक्त बनाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कुछ भी नहीं किया। डॉक्टर आनंद तेलतुंबड़े का एल्गार परिषद केस से कुछ भी संबंध नहीं है। डॉक्टर आनंद तेलतुंबड़े एल्गार परिषद में शामिल भी नहीं हुए थे। उस दिन वो पुणे से निकल गए, अपने घर गोवा में गए। आपको मालूम होगा आनंद तेलतुंबड़े एक अंबेडकरवादी विचारक है और उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी है। एल्गार परिषद का जो मामला है, एल्गार परिषद का पूरा कैंपेन है, उसके प्रति भी इन्होंने कुछ एक क्रिटिसिज्म लिखा था। इनका एल्गार परिषद को सपोर्ट नहीं था, फिर भी मोदी सरकार ने अन्य 8 जो एक्टिविस्ट है उनके साथ डॉक्टर आनंद तेलतुंबड़े को इस पूरे केस में फंसाया और आज गौतम नवलखा के साथ कल उन्हें सरेंडर होना पड़ रहा है। मुझे लगता है ये सबसे बड़ी नाइंसाफी है तेलतुंबड़े और नवलखा के लिए, क्योंकि दोनों का इस केस में कोई संबंध नहीं है। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि दोनों की विचारधारा नक्सलाइट विचारधारा है, मुझे लगता है इस देश में किसी भी विचारधारा के प्रति आस्था रखना कोई गलत बात नहीं है। और जिन्होंने आनंद तेलतुंबड़े की किताबें पढ़ी है वो ये भी नहीं मान सकते कि वो नक्सलाइट है। हम सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि वो एक इंडिपेंडेंट इंटेलेक्चुअल है जो डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों पर श्रद्धा रखते हैं। इनको नक्सलाइट ठहराना, इनको इस तरह से केस में फंसा देना, ये मोदी सरकार की गहरी चाल है। आज जो हो रहा है यूएपीए में 2 साल से सुधा भारद्वाज और अन्य कार्यकर्ता जेल में है, मैंने आपको बताया। अभी डॉक्टर आनंद तेलतुंबड़े और गौतम नवलखा की भी जेल में जाएंगे। इस केस के सारे डॉक्यूमेंट जो है वो मैंने देखे है और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ मेरी 40 साल की पत्रकारिता की जो करियर है वो दाव पर लगाते हुए ये कह सकता हूं कि ये पूरा केस जो है वो फैब्रिकेटेड है। इसमें इन लोगों पर आरोप है कि इन्होंने प्रधानमंत्री के हत्या की कोशिश की। लेकिन जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आया तब जो सरकारी वकील थे उन्होंने प्रधानमंत्री की हत्या के बारे में कुछ कहने से इनकार कर दिया। इस केस में जो जस्टिस चंद्रचूड़ ने, धनंजय चंद्रचूड़ ने एक डिसेंटिंग जजमेंट दिया है, उसमें पुणे पुलिस ने जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन किया है
उसके ऊपर जस्टिस चंद्रचूड ने नाराजगी जताई है और कहा है इस इन्वेस्टिगेशन के लिए एक एसआईटी नियुक्त करनी चाहिए, लेकिन इस डिसेंटिंग जजमेंट को सरपास कर दिया गया क्योंकि मेजॉरिटी जजमेंट जो था वो सरकार के और पुलिस के पक्ष में था। मेजॉरिटी जजमेंट ने केस में जो आरोप लगाए हैं या केस का जो क्वालिटेटिव कंटेंट है उसके बारे में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया, लेकिन ये कहा कि पुणे पुलिस ये मामला इन्वेस्टिगेट कर सकती है। मेरा सवाल ये है, अगर आपके पास सबूत है, आपके पास पूरी तरह से कागजात है, तो 2 साल से यूएपीए लगाकर सुधा भारद्वाज जैसे जो एक्टिविस्ट है, बिल्कुल ऑनेस्ट एक्टिविस्ट है, जो पूरी तरह से जी जान लगाकर आदिवासियों के लिए काम कर रहे हैं, बाकी इसमें जो लोग हैं उनको भी मैंने जानता हूँ, सुधीर ढवले जो है उनके साथ मैंने काम किया है, उनके साथ कई दलितों के जो आंदोलन हुए उसमें सुधीर ढवले शामिल थे, फिर जो लॉयर है सुरेंद्र गडलिंग उनको भी मैं जानता हूँ, नागपुर से है और हमेशा दलित आदिवासियों के मामलों को लेकर वो कोर्ट में लड़ाई लड़ते हैं। रोमा विल्सन हो या बाकी सारे लोग हो, वो बिल्कुल ही ऑनेस्ट एक्टिविस्ट है। इनको 2 साल से यूएपीए लगाया कर, आपको मैं ये बता देता हूँ यूएपीए जो कानून है वो यूपीए सरकार ने बनाया था, लेकिन वो पोटा टाड़ा जैसा ही खतरनाक कानून है और उसके अंदर आप किसी भी एक्टिविस्ट को, खास करके अगर आप दलित एक्टिविस्ट हो, अगर आप आदिवासी एक्टिविस्ट हो, अगर आप लेबर एक्टिविस्ट हो, आप सरकार उन्हें फंसा सकती है। ये सरकार ने जो दिखाया है वो पॉलिटिकल वेंडेटा का मामला है, किसी को भी फंसाना था, क्योंकि भीमा कोरेगांव में जब हिंसा हो गई, मैं इसको सिर्फ हिंसा नहीं मानता या दंगा नहीं मानता, भीमा कोरेगांव में 1 जनवरी 1918 को जब हिंदुत्ववादी गुंडों ने दलितों पर हमला किया, तो मनोहर तथा संभाजी भिड़े और मिलिंद एकबोटे जो दोनों बीजेपी और आरएसएस से जुड़े हुए हैं उनके ऊपर गंभीर आरोप लगे थे, लेकिन सिर्फ मिलिंद एकबोटे को महाराष्ट्र की पुलिस ने गिरफ्तार किया। आज वो बेल पर बाहर आ गए हैं और अपनी एक्टिविटीज जो है उन्होंने जारी रखी है। मनोहर तथा संभाजी भिड़े को तो अरेस्ट भी नहीं किया, क्योंकि मनोहर संभाजी भिड़े आरएसएस के पुराने कार्यकर्ता है और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीब है, देवेंद्र फडणवीस के करीब है और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के करीब भी है, तो आज तक उनको किसी ने गिरफ्तार नहीं किया। जब महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हो गया और यहाँ उद्धव ठाकरे की सरकार आई कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के समर्थन से, तो शरद पवार ने कहा कि ये मामला जो है, मुझे लगता है इसमें कई सारे सवाल है, शक है, तो इस मामले की वापस जांच होनी चाहिए। महाराष्ट्र का गृह मंत्रालय भी जांच करने जा रहा था, लेकिन बीच में ही जब यह प्रोसेस चल रहा था तो केंद्र सरकार ने यह मामला एनआईए को सौंप दिया। देखिए, महाराष्ट्र गवर्नमेंट जांच करने जा रहा है, पुणे पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें कुछ गड़बड़ी है, ये सब जानते हैं। शरद पवार ने भी इसमें इंटरवीन किया, शरद पवार ने कहा कि इसमें एसआईटी के द्वारा जांच होनी चाहिए, वो होने जा रही थी, तो अमित शाह ने इसमें इंटरवीन किया और एनआईए को सौंप दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहले भी जब पुणे पुलिस ये मामले की जांच कर रही थी तब एनआईए ने कहा था कि हम लोग इस केस को नहीं ले सकते, क्योंकि पुणे पुलिस ठीक तरह से जांच कर रही है। अगर एनआईए को लगता था, जो एनआईए अमित शाह के अंडर काम करती है उनको लगता था पुणे पुलिस ठीक काम कर रही है, तो अभी पुणे पुलिस को दरकिनार करके ये मामला अपने हाथ में लेने की जरूरत क्या थी। पूरी तरह से ये पॉलिटिकल वेंडेटा है, ये महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता शरद पवार ने भी कहा है, महाराष्ट्र के सारे दलित आंदोलन के नेता भी ये कह चुके हैं। लेकिन अभी देखो, अभी कल 14 जनवरी को जब बाबा साहब आंबेडकर की जयंती है, उसी दिन डॉक्टर आनंद तेलतुंबड़े और गौतम नवलका को गिरफ्तार किया जा रहा है। मेरा आपको एक निवेदन है कि देखिए, मैं ये नहीं मानता हूं
कि डॉक्टर आनंद तेलतुंबड़े बाबा साहब अंबेडकर के ग्रैंड सन इन लॉ है। मेरे लिए ये बात महत्वपूर्ण है, लेकिन मेरे लिए सिर्फ ये बात महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि आनंद तेलतुंबड़े का खुद का जो काम है वो बहुत बड़ा है। वो एक ऑयल कंपनी में बड़े हुद्दे पर थे, फिर वो रिसर्च करने लगे, वो IIT से आए हैं, आज गोवा में एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में वो बड़े पद पर है। बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है, ये सच है। वो बाबा साहब अम्बेडकर के ग्रैंड सन इन लॉ है। बाबा साहब अम्बेडकर के जयंती के दिन बाबा साहब अम्बेडकर के ग्रैंड सन इन लॉ को आप अगर गिरफ्तार कर रहे हैं, तो मुझे लगता है मोदी सरकार खुद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान कर रही है। ये मेरा आरोप है, आप बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान कर रहे हो। क्या आप रुक नहीं सकते थे? आजकल तो लॉकडाउन है, पूरी तरह से कोरोना वायरस फैल गया है। डॉक्टर तेलतुंबड़े के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहा था कि आप कुछ दिन रुक भी सकते हैं। डॉक्टर आनंद तेलतुंबड़े की तबीयत जो है कुछ खास नहीं है, वो अस्थमेटिक है। इस हालात में अगर उनको जेल भेजा जाए और कल अगर उनके जिंदगी को कोई खतरा पैदा हो, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मेरा सवाल है गृह मंत्रालय से या फिर नरेंद्र मोदी से, आनंद तेलतुंबड़े की जिंदगी को अगर खतरा होता है और उनके सेहत को कुछ धोखा पहुंचता है, तो क्या मोदी जी आप और अमित शाह जी आप दोनों जिम्मेदारी लेने वाले हैं? यह कैसा मामला है जब डॉक्टर आनंद तेलतुंबड़े या फिर मानवाधिकार कार्यकर्ता गौतम नवलखा को गिरफ्तार किया जा रहा है कल, तब आप चुप बैठेंगे? हमारा कुछ विश्वास नहीं रहेगा इस न्याय प्रणाली पर, हमारा कुछ विश्वास नहीं रहेगा इस संविधान पर। इसलिए भाइयों, मैं आपको आह्वान करना चाहता हूं कि कल डॉक्टर आनंद तेलतुंबड़े और नवलखा गौतम नवलखा सरेंडर करने जा रहे हैं कल दोपहर 12 बजे, ऐसा हमें बताया गया है। हमको इसका विरोध करना चाहिए, पूरी तरह से विरोध करना चाहिए। ये गैर लोकतांत्रिक है, ये कानून के खिलाफ है, ये संविधान के खिलाफ है। हम इसका विरोध करेंगे और मुझे ये आशा है कि हमारी आवाज जो है वो प्रधानमंत्री तक जाएगी और उनके कान में पड़ेगी और वो जरूर सुनेंगे। जिंदाबाद। Thank you.